नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का जो तीसरा टर्म है उसका ये पहला बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। यह बजट गरीब कल्याण का बजट, यह बजट महिला उत्थान का, युवा उत्थान का और किसान कल्याण का बजट, जहां 80 करोड़ गरीबों को निशुल्क राशन वो लगातार मिलता रहेगा, 3 करोड़ गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान, 1 करोड़ गरीबों को शहरी क्षेत्र के अंदर पक्के मकान इस वर्ष देने की इसमें प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से 2,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और शहरों के संपूर्ण विकास के लिए 10,00,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है वो शहर और ग्रामीण विकास के लिए एक अनूठा संगम वो इस बजट के अंदर दिखाई देता है। जहां युवाओं की दृष्टि से और 1,52,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान शिक्षा और स्वरोजगार की दृष्टि से उपलब्ध कराया है, वही 1 करोड़ युवाओं को और ट्रेनिंग की दृष्टि से प्रावधान करते हुए 5,000 रुपया महीना उनको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान युवाओं के लिए किया है ताकि वो आने वाले समय में स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकें। 3,00,000 करोड़ रुपया महिला विकास के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि वो 9 करोड़ किसानों को वो जारी रहने वाली है, साथ ही 1 करोड़ किसानों को विशेष पैकेज की दृष्टि से उनकी कृषि में विकास करके और उनकी आमदनी को बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। इसी के अंदर मूंगफली है, तिलहन है और अन्य जो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण किसान की आमदनी बढ़ती है, दलहन इत्यादि, उन्हें बढ़ाने का प्रावधान करते हुए किसान को मजबूत करने का प्रावधान किया जाएगा और उसकी MSP को इस कदर बढ़ाया जा रहा है ताकि कम से कम 50% का प्रॉफिट मेरे किसान को प्राप्त हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क इत्यादि के निर्माण के ऊपर 11,11,000 करोड़ रुपए का व्यय भारत के इतिहास में पहली बार है। लगभग 40,000 किलोमीटर 4-लेन हाईवेज का निर्माण, 6-लेन, 8-लेन, 10-लेन हाईवेज का निर्माण और इसी तरह से 60,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का प्रावधान इस बजट के अंदर किया है। अगर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिमाचल गांव में बसता है, बहुधा किसान है, तो किसानों के लिए, ग्रामीण के लिए, गरीब के लिए जो बजट के प्रावधान है वो हिमाचल को लाभ करते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है उसका सर्वाधिक लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4-लेन हाईवेज का जाल बिछ रहा है, साथ ही ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रखरखाव और उनकी इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से विशिष्ट प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, गत वर्ष जो आपदा हिमाचल में आई थी उस आपदा राहत के लिए विशेष प्रावधान इस बजट में हिमाचल के लिए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने और पार्लियामेंट में घोषित किया है। जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा है, उसके लिए टैक्स में जो राहत दी गई है वो काबिले तारीफ है। एक एक नौकरी पेशा को लगभग 17,500 रुपए और टैक्स के अंदर रिलीफ मिलने वाला है। इस प्रकार जनमानस, सामान्य जनमानस के कल्याण का बजट, भारत के, हिमाचल के विकास का बजट, गरीब के कल्याण का, युवाओं के कल्याण का, युवाओं के, महिलाओं के उत्थान का और किसान के प्रोग्रेस का ये बजट है। हम इस बजट के लिए हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई दें।